तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और वीडियो में। और इस वीडियो में अब हम क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी कई इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जिनमें हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात कर ली डाइकॉट्स में। और अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड की, मतलब के फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, ओव्यूल जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओव्यूल जब भी मैच्योर होता है तो ओव्यूल मैच्योर होके सीड की फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल जो है, हमें पता है इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। और दीज इंटीग्यूमेंट्स व्हेन ड्राई ऑफ दे फॉर्म सीड कॉट्स। ये सीड कॉट्स की फॉर्मेशन करते हैं। जो आउटर इंटीग्यूमेंट है दैट विल फॉर्म टेस्टा एंड इनर इंटीग्यूमेंट विल फॉर्म टैगमन। एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड ऑल द फ्लोरल अपेंडेजेस स्टार्ट ड्राइंग ऑफ, दे शेड ऑफ, वो गिर जाती हैं और फिर ओव्यूल मैच्योर होकर सीड की फॉर्मेशन करता है। डिपेंड करता है कि सीड जो है उसके अंदर सिंगल कोट है या दो कोट हैं, इसी हिसाब से दे आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स में अगर हम बात करें तो। और हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं एलएस ऑफ मेज जो है वहाँ पे सिलेबस में है और हम उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें जो है यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि कुछ सीड्स ऐसी होंगी जिनके अंदर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है और वो लास्ट तक प्रसिस्टेंट रहती है। ऐसी जो सीड्स होती हैं, दो सीड्स आर कॉल्ड एज द एंडोस्पर्मिक सीड्स। Endosperm is still persistent over there and is not used up completely. So such kind of seeds are called as the endospermic seeds. और इनमें हम example include करते हैं castor और beans का। While few seeds are like this, while they will mature, all the amount of the endosperm will be used up there. Such seeds will be called as the नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और उनमें यदि हम एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पी ग्राम। यहाँ पे एक चीज और है क्योंकि यहीं से शुरू कर रहे हैं, इंटीग्यूमेंट्स के साथ एक ओपनिंग परसिस्टेंट रहती है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और वो जो माइक्रोपाइल है ये भी सीड के ऊपर एक नोब लाइक प्रोजेक्शन की फॉर्म में, स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में अभी भी परसिस्टेंट रहता है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये माइक्रोपाइल के थ्रू ही ऑक्सीजन और वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट करती है। जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम पे इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब देखेंगे हम, क्योंकि मैंने कहा कि मोनो कॉटिलेडनस सीड के बारे में हम बात करेंगे और ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है तो इसी पे ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक लार्ज कॉटिलेडन है लेकिन उससे भी जो है लार्ज पोर्शन जो है एंडोस्पर्म का है। एंडोस्पर्म फूड लेडन टिश्यू है एम्ब्रियो के लिए, ये इंश्योर करता है कि कंटिन्यूस न्यूट्रिशन की सप्लाई उसको मिलती रहे, इसलिए इसकी फॉर्मेशन होती है। और जो ये एक सिंगल कोट है इसको हम बोलते हैं स्यूटालम, ये सिंगल कॉटिलेडनस है। और इसकी यदि हम सर्टेन लेयर्स की बात करें जिनसे इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है तो बाहर जो है एल्यूरॉन लेयर है और ये जो बड़ा सारा पोर्शन जो है यहाँ से बिल्कुल आप मार्क करके देख सकते हैं, ये पूरा जो है एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंडोस्पर्म और ये अगर हम बात करें एम्ब्रियो की, इनकी एंडोस्पर्म की जो एक ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी है, ये एपिथीलियम कहेंगे इसको। एपी का मतलब ही सबसे बाहर होता है और थीलियम एक तरह का टिश्यू है, एक लेयर के लिए होता है जनरली, तो एपिथीलियम है ये। और यहाँ पे अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं क्योंकि हम बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो बनता है कॉटिलेडन के साथ उसकी एक एक्सिस के थ्रू अटैचमेंट होती है और वो एक्सिस जो है एम्ब्रियोनाइल एक्सिस है, इसको हमें बहुत
इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, क्योंकि एम्ब्रियोनाइल एक्सिस की जो पोजीशन है उसी हिसाब से हम कोलियोप्टाइल और कोलियोरहिजा और रेडिकल और प्लूम्यूल के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करें कि एम्ब्रियोनाइल जो एक्सिस है इसके अबाव जो सरफेस है और ये अबाव जो पार्ट है अटैचमेंट का, ये जो है फॉर्मेशन करता है प्लूम्यूल की। किसकी फॉर्मेशन करेगा? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो होता है ये फ्यूचर शूट होता है जो एक प्लांट के शूट सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और यदि हम बात करें कि एम्ब्रियोनाइल एक्सिस से नीचे का जो स्पेस है वहाँ जो अटैचमेंट रहेगी वो रेडिकल कहलाएगी, और रेडिकल जो होती हैं किसी भी एक प्लांट के लिए, सीड के लिए, रूट सिस्टम जो है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और ये जो रेडिकल और प्लूम्यूल जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल, इनकी फर्दर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। इन फर्दर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो हैं उनको हम कोलियोप्टाइल और कोलियोरहिजा बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कई बार जब हम एकेडमिक्स में बोर्ड एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो ये छोटी छोटी टर्म्स ही पूछ ली जाती हैं, और बहुत सिंपल सा है, अगर हम इनको समझ लें तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अब क्योंकि जैसे हम सीड की बात कर चुके हैं कि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही चल रहे हैं, और ओव्यूल जो है मैच्योर होके उसने सीड की फॉर्मेशन कर ली है। अब जो ओवरी है, क्योंकि ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ओवरी जो होती है वो राइप करती है, पकती है, मतलब मैच्योर होगी, तो ये फॉर्मेशन करेगी फ्रूट की। अब फ्रूट जो है इसकी अपनी सर्टेन लेयर्स होती हैं जिनको हम एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प कहते हैं। एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, एग्जैक्टली ये फ्रूट की स्किन होती है जो उसको बाहर से कवर करती है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे मैंगो है, मैंगो की यदि बात करें एग्जांपल लें तो उसका जो फ्लैशी पोर्शन है, जो एडिबल पोर्शन है जिसको हम खाते हैं, वो मेसोकार्प है, और एंडोकार्प वो होता है जो उसकी सीड्स को अनक्लोज करता है। तो ये उसकी डिफरेंट जो हैं लेयर्स हैं। इसके बाद जो फ्रूट्स हैं इनको भी हम सुडो कार्पिक या यूकार्पिक कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। सूडो कार्पिक जो होते हैं इनको फाल्स फ्रूट भी कहते हैं। और ये जो है इनको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, यूकार्पिक को। क्यों इनको हम फाल्स फ्रूट कहते हैं? क्योंकि सिर्फ ओवरी राइप करती है और जितने भी एडेबल पार्ट बनते हैं वो ओवरी की फॉर्मेशन से होते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स जो हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन यदि हम एग्जांपल लें एप्पल का, और यदि हम बात करें लीची, तो ये ऐसे हैं जिनके अंदर जो ओवरी है वो ही राइप करके फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं करती है, इनके अंदर जो एडेबल पोर्शन होता है दैट इज थैलेमस, थैलेमस जो है वो टेक पार्ट करता है और उसकी वजह से जो है फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इनको हम फाल्स फ्रूट कहते हैं। अंदर जो है बेसिकली फ्रूट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो तीन तरह के टाइप्स में फ्रूट जो है उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। एक जिनको हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स, एक फ्रूट ऐसे रहेंगे जिनको हम कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट, और एक और टाइप रहेगी जिसको हम कहेंगे कंपोजिट फ्रूट। इनके फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। ये सिंपल फ्रूट जो होते हैं, जो सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्पल फ्यूज्ड हैं, तो सिनकार्पस जो ओवरी है उसकी वजह से जो है इनकी फॉर्मेशन होगी, उन फ्रूट्स को हम कहेंगे सिंपल फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स एपोकार्पिक से बनते हैं, फ्री फॉर्म में रहेंगे ये, इनके कार्पल्स ओवरी फ्री रहेगी, मैच्योर होगी, तो उनको हम कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट। और एक होंगे कंपोजिट फ्रूट, तो कंपोजिट फ्रूट जो रहेंगे
उनकी फॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंट इनफ्लोरेसेंस से होगा। ये भी हमें याद रख लेना होता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, वो ये है कि फ्यू टाइम्स इट हैपन्स कि देर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स। दिस प्रोसेस वेयर देर इज़ नो नीड ऑफ द फर्टिलाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली ऑल्सो। कैसे आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस किया जा सकता है? जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और ये ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम चीफली ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन की बात करें, उनके स्प्रे से पार्थेनोकार्पी जो है उसको इंड्यूस किया जा सकता है। दूसरा मेथड है डिलेड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो है हम उसको डिले कर दें, रोक के रखें, और या फिर हम क्या कर लें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। इन विट्रो से मुझे याद आया, इसको हम आर्टिफिशियल टेक्निक बोलते हैं। दो तरह की चीज़ें हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए यहाँ पे, जो जनरली हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स के अंदर जो हैं इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। उनमें यदि हम बात करें तो एक है इमेस्कुलेशन, दूसरा है बैगिंग। इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग, कई बार इसके साथ टैगिंग भी आता है, इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन सेम फ्लावर, तो उनके अंदर क्या होता है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो मैच्योर एंथर्स हैं विच आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दे आर कट एंड रिमूव्ड, उनको काट के हटा दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इमेस्कुलेशन, उसको हम कहेंगे इमेस्कुलेशन। और इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग होता है। बैगिंग के अंदर क्या होता है, जिस स्टिग्मा विच इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज कवर्ड बाई बटर पेपर और पॉलीथीन पेपर टू अवॉइड द कंटेमिनेशन बाई द फॉर्न पॉलन ग्रेन्स और सेम पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं बैगिंग। तो ये इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग जो है आर्टिफिशियल, जब फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है हॉर्टिकल्चर टेक्निक के अंदर, पार्थेनोकार्पी इवन उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो इन टेक्निक्स जो है इनका भी इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसमें ओव्यूल मैच्योर होकर सीड की फॉर्मेशन कर रहा है और ओवरी राइप करके फ्रूट की फॉर्मेशन कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने बात कर ली है, और हमने पार्थेनोकार्पी जो है उसके बारे में भी सीखा है कि पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट्स की फॉर्मेशन कर ली जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस। अब इस चैप्टर में हैपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी के बारे में रहता है, तो एक वीडियो के अंदर हम पोली एम्ब्रियोनी और हैपोमिक्सिस को भी कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही।